विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रदेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नाम संकीर्तनमयस्य सर्वपापो प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनस्तम् परम वंशीभिभूषितकरानवदीर्तावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलधरिष्ठात् पुनः सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमन्तं मां न जाने। चिरादित्तं कृदूरान्तं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं चिच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। पहले लई यज्ञ दिन में पीछे आया मायरु ता पीछे आदि रूवन में योगर हुआ जहूर। अक्षर बमेघ वृक्षैर अक्षर मनोजिए आस्ते मुनरि जी को प्रेम प्लास तब सखियों मनोजिए खेल देखे अक्षर का जय। कूटथा से जाता सात पादुर भूता सुमंगला निद्रा उत्पाते आमास मामु मैथिता तस्मिन् में मोह जलदाव तेज पुरुषो मान तस्मा देव संतस्सो उत्तवा नारायण से महर्षु दस्ताणी महासंभूत तानि च नेत्र भवन में वास्य तदक्षर परम पदम। इस अक्षर को बुलसुवन पाल सत्य चौदह भुवन या मेवा विष्णुमन वंदे त्रिभुवन दादे तिरछ सपुत्र अक्षर मम्मे वृक्षार त्रिदेवा सा का वह पत्र वे संसार यथो नाभि सिज्यते गुणते च यथा पृथिव्यम औषधि असंभव यथा सदा वर्षात के सलोमान तथाक्षरात संभवती विश्वम हथ पार वे अदे वेद पार अक्षर अक्षर पार उतरे जागे घर हत सब को क्या वेद ज्ञान कोई हरियत के बीच मेरा कभी न सोय हर गया सो मानवा वे हर गया सो सात हत वे हत दोनों चले ताको मदागात चलते चलते पग थका नगर आना को पीछे में डेरा पड़ा कहो कभी का को भी दोस्त जागर में अब लावस है सोगर प्रेम कपूर दास कभी रहे हो गए सोगर हमसे दूर। एक भूत आया अगदल से दिन कायम के चल चल एक भूत की सिफत देखी ऐसे अगदल में कई सागर कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे चित में देख के फल मिला और ये थोड़ी लायक हो सैया सुख ले है तुझे फिर मैं चिंतन तो मां ये चना वायु पास से ये सामने क्या लुटता ना जो उठी मम महा में हम यहाँ से दिन मिलता देवा कृष्ण से उसकी बता भूता ज्ञान की भूत देख ज्ञान से बच्चे जिनों की माँ अब ये शुद्राचार भक्ति माँ मान देवा साधरे सौ तब मैं तो चित्रम भक्ति धर्मात्मा सत्संग शांति निरक्षति कौन थे अपति जारी ही नौवे भक्त बना सती ओम श्री परमात्मा नमः अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच कुन्दूमूल मदसाखा अस्वन्तं प्रावरप्रयं छन्दास्यस्य प्राणानि
यस्तम्भेन समेतवत् अजचो लोकप्रसिद्धस्य शाखा गुणं प्रवृत्ता वृषप्रवाला अजचो वीरानेन सत्यतादि कर्मानुवन्दीनि मनस्वलोके नरूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्यं न सम्प्रविष्टा असत्यमेनं सुवरोरमूला असङ्गसर्गेण देन चित्ता तथा पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् कदा न निवर्तन्ति भूय तमेव जाग्रं पुरुषं प्रवृत्ते यथा प्रवृत्ति प्रस्थिता पुराणि निर्माण मोहाज संग्रोता अध्यात्मिकता वरवित काम सुंदर विमुक्ता सब दुख संगई गच्छन्ति मूला परमव्यम् पद्मानि मात्रा दृष्टं सुकृतं सत्यं वेदवद्दुर्विशिष्टम् अक्षम्य सम्पाणमदरमदरौ चक्रे विमानवरत्नं त्यजि तनुरि तस्य परमं पठन्ति सरं च जीवं परमे लक्ष्यम् सुपर्णावेतौ तदे सुसुखाय यद्धि सुकृद्विधौ सुमुच्य एकस्तु खादरि पिप्पलानरन्न पिप्पलेन मूलत् आत्मानमन्नं सुपुवेदवत्त्वाय प्रत्पलादनप्रविप्पलाद यो वृत्त्यायो सतुनत्तत्त्वो विद्यामयो सतुनत्तमुक्तः यस्यापि बुद्धिकुर्वेति लाभे सदीक्रद्रादिषु भौमेज्यति यच्चित्त बुद्धिसलिलेन करिलेन जनेषु विज्ञेषु सो एव गोखरः इत्यन्य देवता भक्ता ये यन्ति सत्यानुता केऽपि मामेव कौन्तेय ये यन्ति सत्यानुता ठोर के बीच को आने न दूंगी पास एक बार की बात है एक शिकार हाथ पे धनुष बाण लेकर के गंगा के किनारे शिकार खेलने जा रहा था। उधर ही गंगा के जल के तट पे इधर ही एक चातक का पंछी बैठा था, उसका बेटा भी बैठा था। तो शिकारी ने उसे देख के धनुष में बाण चला करके चातक को मारा तो चातक घायल होकर के गंगा जल में गिर गया। गिरते ही उसने अपनी जीत को ऊपर कर लिया और उसका फिर बेटा भी आया। फिर बेटे ने कहा यदि मैं मर जाऊं तो इस गंगा जल से मेरा तर्पण नहीं करना, तो स्वाति नक्षत्र का जल बरसेगा, जो मैं बरसाएगा उसी से मेरा तर्पण करना। ये कह के चातक मर गया। ये बात तुलसी दास जी ने कही है।
तुलसी चाटक दे तसिक सुतई बारई बार सात अंतरपण कीजियो विनावार धर धार सरा समुद्र नद्या दीप व्यायो चात गोयता किसी तो मिलते चाहिए आज ते वापयो धर्म एवमेव प्रत्येना साधुना निविचित कृष्ण देव सदाया जोगचेतं मैं भवेदिति साकारस्य विना सृष्टि निराकार शून्यतात् उभय पक्षी भी भिन्नम वस्तु ज्ञान मुख्य स्यात् पिंड में होता तो मरता न कोई ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा कहे कभी कोई सही हमारा निराकार कहे तो पूरा आता साकार कहे तो काना इंद उसे न्यारा समझे तो पार हम पहचाना भाई देव ज्ञानी ब्रह्म निकला तो सकल में साई देखिया के संसार है सकल में सपना तो पार ब्रह्म क्यों पेख्या तो सपने में क्यों कराए तो साई है न्यारा तो पार ब्रह्म में क्यों परचाना है तो क्यों रोगे पारा कालावत को ब्रह्म भवन में तो कौन विचार हो सोई अखंड साई जो यहाँ में होता तो ब्रह्म को ब्रह्मांड को ना होई पारवं तो पूरणे गए तो अनेक परमेश्वर कावे अनेक पंथ सब सब जुदे जुदे और कोई सत्ता बुलावे उमनी भगवत रूपे मया ते अनवर्ण ते उवे अपनो विरंती माया सृष्टि विपस्थिता महाप्रलय उसी अब त्रिगुण निर्गुण तब निराकार न सुन कहे वे कुनाई वचन एको विकृष्टस्थिता बना मुदा सासु में दावा वेदन तुल्य तदा सुमेरी पुण्य तीन महाकृष्ण पढ़ा